Hi. Hi. Oh, God. Come, come, please. Me, Nell. Hi, hi. You love the way she Bro, says what? But I love the way she says, Arre uncle. She loves you, okay? Okay, guys, I think it's time to call it a night. One last thing. No, I think it's really late. One for the road, as they say. हां चल 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 अरे गाड़ी निकाल यार ठीक है ठीक है बाहर निकाल रहा हूं आपसे भाई चक्के मत यार कंपी हां क्या किया यार भैया आंख लग रही है क्या नहीं नहीं मैडम आगे आके बात करूं एक मिनट मिना डोंट फलक प्लीज फलक भैया चलाते रहिए चलाते मतलब ठोक देगा नहीं तो फलक बोल रही थी चलते हैं चलते हैं मैं इशारा भी कर रही थी What if something happens to him now? सर सर हालत कैसी सर स्कल पे काफी इम्पैक्ट आया है रिक्वायर्स एन एमआरआई आंख बच जाएगी ना सर आईज में ग्लास शार्ट्स थे मैंने निकाल दिए By the way, would you like to do an MLC report? MLC? What means? Legal procedures, police. No, right now just focus on the patient. We'll tell you later. Are you sure? Yeah. Please focus on the patient, please. Okay. हेलो अंकित हाँ सुन ना यार यहाँ पे कांड हो गया है हाँ सूरज कुंड में राजवीर को मार लगी है उसको टाके आ गए यार खून भाई मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ
आप एक बार कह देंगे तो निश्चिंत रहे, काम हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया। अरे चाय वाय पियो भाई। भंडारी जी सर, और राजवीर के साथ क्या हुआ? कर सर ठीक से पता नहीं है। फोन लगा सो। नमस्ते अंकल जी, मैं अंकित। हाँ, वीरू से बात करा? नहीं, वो राजवीर बात नहीं कर पाएगा ना अभी। हाँ, वो संडे रात को हुआ। स्टिचेस? हाँ, स्टिचेस आए हैं, 8-10 टांके आए हैं। हाँ, आंख बच तो जाएगी ना? नहीं नहीं, आंख बच जाएगी। हाँ नहीं, वो तो पट्टी खुलने के बाद पता चलेगा। कौन थे? हाँ अंकल जी, वो सूरज कुंड में ना। हाँ आप टेंशन न ले अंकल जी, वो यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में है। हाँ नहीं, वो मैं आपकी बात करवाता हूँ। हाँ हाँ, मैं उसको बोलता हूँ फोन करे। हाँ मैं बोलता हूँ। ओके ओके। How was your day? It was good. You had dinner? No, I'm hungry. What do you want to eat? What's that? What? कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई क्यों लाई, रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई क्यों आई,
जिया रे कैसे अंगारे जैसे छाऊं छैली धूप मैली क्यों है कारी कारी रहना सारी सावां धेरे क्यों लाई क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाओ छैली धूप मैली क्यों हरी हेलो अंकल जी नमस्ते ये 203 सर्वप्रिय विहार वाला आप ही का है क्या अंकल जी वो मेरा ही घर है लेकिन इतनी रात गए गल की है बात ये है कि वो जो तीन लड़कियां रहती है ना आपके यहाँ पर उनको ना इस महीने का किराया लो और खाली करवा दो मेरी समझ में नहीं आया पुत्र क्या कह रहे हो तुम अच्छा आप समझे नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो तीन लड़कियां है ना वो ठीक नहीं है आप ना उनको घर से निकालो मैं उन लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ वो 2-2.5 साल से मेरे पास रह रही हैं अंकल जी ये सब ना किसी और को सुनाना आप ठीक है मेरी बात समझो आप वो वैसी लड़कियां हैं आप समझ में आया ये और समझाओ हेलो हेलो गाइस कॉफी मैं नहाने जा रही हूँ ऐसे बात अवॉइड करने से कुछ होने वाला नहीं है यार अब जो हो गया वो हो गया वो लोग भी भूल गए होंगे हम लोग भी भूल जाते हैं इतना इजी नहीं है मीना हिज आई कट काफी डीप था ही वाज ब्लीडिंग क्वाइट अ लॉट और पुलिस केस हो सकता है यार यार अब बस ये बात याद कर करके रोज स्ट्रेस लेते रहेंगे क्या वील गो मैड लाइक दिस शी इज राइट लेट्स जस्ट फॉरगेट द होल थिंग और वो लोग भूल जाएंगे चार दिन हो गए ढंग से हंसे भी नहीं है हाँ तो हंस लो हंसो एंड्रिया हंसू हाँ हंस पक्का हाँ हंस हंस ना रुक क्यों रही है हंस शोर है तू हंस ना हंस हंस फिर तू बाबा डांटियो मत मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी हंसू हंस ना इतना नमस्ते अंकल अंकल एक सेकंड बस थोड़ी आज आज अंकल आज आप बस ऐवे क्यों भाई यहाँ अंकल को आने की मनाही है क्या नहीं नहीं अंकल इनफैक्ट मेरे को तो मजा आता है आपको चाय का घोल पिलाकर सब ठीक तो है पुत्र अंकल सब क्यों नहीं कुछ कुछ हुआ था क्या क्या नहीं अच्छा किसी ने परेशान किया ऐसे या फोन करके नहीं अंकल ऐसे तो कोई बात नहीं आप ऐसे क्यों तो सब ठीक है ना हाँ अंकल सब सब कुछ ठीक है एकदम बिल्कुल तो मैं चलूं फिर अगली 7 तारीख को मिलेगी है ना जी रब रखा
बाय अंकल. को कैसे पता चला? आई डोंट नो. ये चेक क्या ट्रस्ट के नाम पे होगा? आई विश तुम्हारा भी कोई अपना नॉमिनी होता. सोच लो, मैं रेडी हूं अभी भी. हाँ चलो चलो चलो, कुछ नहीं हो, चलो चलो आगे बढ़ो. आ जाओ अंकल जी, आ जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ. हाँ जी अंकल जी, क्या हो गया? चोट पोट तो नहीं लगी? लगी है यार. पानी पिला अंकल जी को. कौन थे बाइक वाले? हैं, मार के चले गए? हालत देखो. हाँ मैं ठीक हूँ अंकल जी. अरे लेकिन स्कूटर तो टूटा गया ना पूरा. पानी पियो आप, पानी पियो. स्कूटर मैंने देख लेना. आप चिंता ना करो इसको यार, इसको संभाल यार. अंकल जी सब हाथ वात बढ़िया है ना? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक. यार रिक्शा रोक यार. ओए ऑटो रुक. अमर कॉलोनी जाएगा? हाँ भाई, अमर कॉलोनी. अमर कॉलोनी में रहते ना? हाँ, अमर कॉलोनी. अमर कॉलोनी पास में भाई साहब, वहाँ नहीं जाऊंगा. अबे पूछा तुझसे किसी ने? भाई साहब दूसरा पकड़ लो ना. अरे क्यों पकड़ रही है? क्यों नहीं जाएगा तू? हिट एंड रन केस है. समझ नहीं आ रहा तेरे को? चुपचाप खड़ा चोट लगी है. अंकल जी आप ना अपना ख्याल रखो. हाँ और सेफली घर पहुँच जाना. और घर पहुँच के ना मेरा वो वाला काम कर देना. आपको फोन पे जो बोला था ना मैंने, बताया तो था. उन तीनों लड़कियों को ना घर से बाहर कर दो आप. अजी कर दो, मैं तो कह रहा हूँ. अच्छी लड़कियाँ नहीं है वो. रेट का ना, रेट का डिस्प्यूट हो गया था मेरे दोस्तों के साथ. एक ने ना मतलब समझो कि मतलब मर्डर कर दिया उसको ऑलमोस्ट. बाहर करो गश्ती पार्टी को आप. हाँ मैं आपको फोन करता हूँ. बैठो बैठो बैठो. चल भाई ये ले लो. हाँ ये आपका बैग भी देखो, संभाल के रखा है. चल हेलो. हाँ कसूरी लाल जी. बेटा मुझे पहले भी टेलीफोन आया था, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करी उसके बारे में. वो यही कह रहे थे कि इन लड़कियों को बाहर निकाल दो, ये लड़कियां ठीक नहीं है. फिर मैं उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा, तो मैं जब स्कूटर पे जा रहा था तो दो आदमी ने मुझे टक्कर मारी और नीचे गिरा दिया. और गिराते ही आके बोले, अरे इन लड़कियों को घर से निकाल दो, ये लड़कियां ठीक नहीं है. ये हो क्या रहा है बेटा? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. कसूरी लाल जी मैं आपको वापस फोन करती हूँ, प्लीज सब कुछ बताती हूँ. आप ठीक है ना? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे बताओ ये क्या हो रहा है. मैं आपको सब बताती हूँ, मैं आपको फोन करती हूँ. ओके बेटा. Believe this, Falak. सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ,
हमने सोचा दिन... आपने नहीं सोचा फलक, हमने सोचा। आपने सोचा होता तो उनके साथ नहीं जाती इस तरह अकेले कमरे में। इतना क्या एंजॉयमेंट भाई, मीनल का तो समझ में आता है लेकिन ऐसे मीनल का क्या समझ में आता है? लुक फलक, I can either be truthful or liberal. What do you want me to be? Opinions लेने नहीं आई थी जावेद. I just wanted you to hold me. हाँ भाई, क्या बोलो डॉक्टर? वीरू, दिख रहा है ना क्या हुआ है? क्या बोलेगा डॉक्टर? बस वो मीनल मिल जाए ना भाई। मिल जाएगी, उसमें भी क्या है। तो देखना आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तुझे कुछ भी क्यों मस्ती रहती है? मस्ती रहती है। तू था वहां पे? नहीं था। तो चाबी किलो का रहा है तो तेरी क्या फटती है क्या उनसे? फटने की क्या बात है इसमें? विश्वा तू चुप कर। अरे डर लगता है तुझे? तू गाड़ी रोक यार डंपी, एक बार मुझे बात करनी है उनसे। तू क्या बात करेगा उससे? इसको पहले चुप कर। हेलो मीनल, हू इज दिस? उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कम हो रहा है? आई मीन द इश्यू इज यू हर्ट माय फ्रेंड, ही इज गोइंग टू लूज एन आई एंड यू आर गोइंग टू पे फॉर इट। आई एम सॉरी लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि तू चुप कर। ठीक है, स्टार्ट तूने करा था, कोई उठा के नहीं लाता तुझे। कुछ चल के आई थी ना तैयार होके वहां पर। गुस्सा आ गया था मुझे यार, आई गॉट एंग्री। अच्छा जी, नाउ ही इज एंग्री हैं एंड आई एम एंग्री। अब तेरा कांड होगा, अब तेरे मजे लिए जाएंगे। अच्छा तो फिर फोन पे क्या धमकी दे रहा है? आना सामने, देखती हूँ मैं। आ सामने। मैं आऊंगा ना सामने तो तू बोलेगी जाओ जाओ। ठीक है, बैक करेंगे। आई एम बोर्ड यू कॉवर्ड, सो स्टॉप टॉकिंग एंड कम एंड शो मी व्हाट यू कैन डू। हेलो हेलो, बहुत चूल है यार इसमें। इसकी तो कायदे से बैठ, इसकी तो मजा आ जाएगा बजाने में। यार तू मेरा कॉल ही ले लेते या कॉल करके बता देते। I didn't want to bother you, but आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, so I thought maybe तुमसे बात करके I'd get some clarity. Clarity है तुम लोगों को। You girls are really brave. जब गलती नहीं है तो भागो मत, माफी मत मांगो, और मीनल को वापस जाके कंप्लेन करनी चाहिए। उसने सिन्हा और गुप्ता को तुम्हें फ्लैट किराए पर न देने को भी कहा है, लेकिन तुम्हें चिंता किस बात की है? तुम जहाँ रह रहे हो वहीं रहो। अगर कल पूरी मैनेजिंग कमेटी उठ के कुछ बोलेगी तब आप क्या करेंगे? जब बोलेगी तब देखेंगे बेटा। मैं तो सोचता हूँ कि तुम लोगों को भी कोई एक्शन लेना चाहिए, पुलिस में कम्प्लेंट तो करो। अंकल हम बात बढ़ाना नहीं चाहते। अरे व्हाट्स रॉन्ग, इट वाज अ वेरी गुड शो। बाहर कितने लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हें मिलने के लिए, जल्दी करो। ठीक, हाँ
Nothing. I'll come. Come soon. Meena. Hmm? Is everything okay? You seem very off today. सब गड़बड़ हो रहा है यार. तुम जानती नहीं हो बहुत कनेक्टेड लोग हैं ये. और यार तुम लड़कियां हो, मतलब बात पड़ेगी तो बदनामी किसकी होगी, उनकी या तुम्हारी? कोई जरूरत नहीं है यार, कॉम्प्रोमाइज करते हैं. देखो कल मैं उसके साथ आऊंगा कॉलोनी. सॉरी बोलो, इवन इफ यू डोंट मीन इट, सिर्फ सॉरी की बात है यार. सॉरी बोलो, बात खत्म. बोल के आगे बढ़ते हैं ना. हाँ लेट्स जस्ट फिनिश इट हियर. तो मैडम ये जो घटना हुई है ये तो सूरज कुंड में हुई है ना जी? तो केस वहीं बनेगा मैडम जी. पर वो थ्रेटन तो यहाँ कर रहे हैं ना हमें. अच्छा मतलब आप रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं उनके खिलाफ जी? देखो मैडम जी क्या है कि एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन खुल गई ना तो आपको मालूम है क्या होगा, आपकी तो डेली लाइफ खत्म हो जाएगी बिल्कुल. मतलब आपने रिपोर्ट लिखवाई तो आपको डेली पुलिस स्टेशन आना जाना पड़ेगा. अच्छा मैडम उस लड़के का तो बहुत खून निकला होगा तो रिपोर्ट तो उसकी भी बनती है. चलो जी देखता हूँ फिर मैं रिपोर्ट. सर आप उन्हें उन लड़कों को वार्न कर दीजिए ना. हाँ वार्न कर सकते हैं मैडम बिल्कुल. चार्ज तो इन पे भी लगेगा जी, असोल्ट किया है मैडम आपने उसका, है ना. और उसकी जो FIR उसकी दर्ज होगी ना तो फिर आपको मालूम है कि सब कुछ तो नशे में है मैडम. आप भी तो धुत थे नहीं, नशे में थे मैडम सब. पर वो जो हाँ मैडम सॉरी बोलो. पर वो फोन पे जो धमकी दिया जा रहा है. अरे धमकी गाड़ी का क्या है, फ्री की चीजें देने दो क्या फर्क पड़ता है. इट इज नथिंग थैंक गॉड. मैं तो कहूंगा जी भगवान का शुक्र है कि आपको उस रात कुछ नहीं, आप बिल्कुल सेफ हो. कहीं कुछ हो जाता तो. और अपना मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है जी, आपके जैसी अच्छी लड़की ऐसे लड़कों के साथ जाती है कहीं ना जाती है कहीं बताओ. आप अपनी मर्जी से कमरे में गए जी, एंजॉय किया आपने, गिव एंड टेक, जोकिंग वोकिंग, दारू वारू करते आप सब हो. और बाद में वो बिंदे वाली जो फौज है ना वो हमारे पीछे टूट पड़ती है, मोमबत्ती मोमबत्ती जलाने लगती है कि जी आप सेफ नहीं हो. बताओ देखो जी एक सजेशन है मेरा, आप आज की रात ना ठंडे दिमाग से सोच लो, है ना, डिसाइड कर लो भाई क्या करना है. इनसे सलाह मशवरा कर लो, एक्सपीरियंस लग रही मुझे ये कुछ. आप थोड़ा सा इनकी मदद करो ना मैडम, उसके बाद तो हम है जी. चाय वाय मंगवाओ मैडम कुछ, नहीं ठंडा. दिस इज अब सर, तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझको. पर दी पहले लगा कि सब ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम बाद. और हेलो प्रदीप, हाउ आर यू? ओह आई एम फाइन थैंक यू. अच्छा लिसन यार, ये साउथ में SCP कौन है? एक्चुअली उस वक्त आपने सूरजकुंड में तो FIR करा नहीं, सो द ऑप्शन वी हैव नाउ वी लॉज अ 0 FIR हियर इन दिल्ली. ओके ओके ठीक है सर. पर उसके बाद वंस यू लॉज दिस आई विल पुट प्रेशर ऑन देम एंड वी विल सी टू इट दैट द बॉय स्टॉप. नॉट टू वरी, रिलैक्स. तुमने जाके पुलिस कंप्लेन कर दी, पूछा तक नहीं, अकेले का डिसीजन था तुम्हारा. पुलिस क्या करती है कैसे करती है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है क्या मीना? ट्रस्ट कर सकते हैं उनको? एंड विश्वान कंपनी कैन बी ट्रस्टेड? देख फलक, यू नो दीज गाइज एंड व्हाट दे कैन डू. तभी तो कह रही हूँ, इसीलिए तो सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ तुम लोग. तो फिर क्या करूँ बता, कंप्लेन वापस ले लूँ, उनसे माफी मांग लूँ, पैरों में गिर जाऊँ उनके, बता क्या करूँ बता. मीना तुम, मैं, एंड्रिया क्यों आए हैं यहाँ पे? जॉब करने आए हैं, काम करने आए हैं, एक नॉर्मल लाइफ लीड करने आए हैं या पुलिस के चक्कर काटने?
If my dad finds out about this, he's gonna be so tense. Yaar, ye sorry worry and all, I don't approve of it. हाँ तो मैं बोल देती हूँ sorry. आज एंड्रिया को threaten किया है. कल को कुछ भी कर सकते हैं ये लोग यार. And all this nonsense will stop. मुझे तो लगता है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. मैं तेरे को भी मीनल तुम प्लीज प्लीज चीजों को और कॉम्प्लिकेट मत करो. मैं कल सुबह विश्वा को फोन कर रही हूँ और ये सब कुछ खत्म कर रही हूँ. रो रही थी यार, सुन रहा है? सॉरी भी बोल रही थी. वेरी गुड, बिगिनिंग अच्छी है, द एंड इससे बेटर होगा. तूने तू ली ना उसकी, और क्या चाहिए तुझे बताऊं? Dude, what's your problem यार? तू वहां था भी नहीं. मैं होता तो इतना कांड थोड़ी होता. और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं बस ट्रेडिशंस फॉलो कर रहा हूँ यार. बंदियों की जितनी औकात होती है ना, उनको बताती रहनी पड़ेगी. तुझे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज, मना कर दूं? हाँ. सॉरी नहीं सुनना? पलक का फोन उठाऊं? हेलो विश्वा. हाय फलक. हाँ फलक. हाँ वो तुमने कहा था ना कि कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात करनी. हाँ वीरू मेरे साथी है, ले बात कर. फलक देख सुन मेरी बात, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेयर इज मीना? राजवीर लुक, उस दिन जो भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ. कैन वी जस्ट, मैंने तुझे बोला ना मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तू ऐसा कर, तू बीच में मत पड़, मिनल को फोन दे. हाँ लेकिन मेरी विश्वास से बात हो गई थी कि हम तुमसे सॉरी. फलक वेयर इज दैट विच मिनल, मुझे उसके मुंह से सॉरी सुनना है, पीरियड. राजवीर प्लीज, यू प्लीज प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट. देखिए मोरालिटी का लेक्चर ना अपने पास रख, मिनल को फोन दे चल. मैंने तुझे बोला ना कि मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. गेट दैट स्लैग ऑन द लाइन और उसको फोन पर लेकर आ अभी. डोंट यू गेट इट? उसको फोन दे. मैंने तुझे बोला ना कि मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मुझे प्रॉब्लम है तुमसे, तुमसे, तुम्हारी लैंग्वेज से, तुम्हारी दिमाग में भरे हुए कूड़े से. तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर गए हैं इसलिए तुम्हें फोन कर रहे हैं? मिनल को तुम्हारी एक नहीं दोनों आंखें फोड़नी चाहिए थी. यू जस्ट वेट एंड वॉच नाउ, जेल में सड़ोगे तुम, समझे? हेलो मैम, सर ने आपको बुलाया है. हाँ थी. यस सर. सॉरी दिस इज ऑकवर्ड. या Look, Falak, we are an image conscious company and my boss Tushar Singhal has just I don't know. I understand, yeah, but with this merger I don't know about this. Tum ek kaam kyun nahi karte? Why don't you take a few days off? Tum chutti pe chali jao yaar, and you know, look for prospects. This is, you know how it is. So, I don't know how it is. So, can you please ask your accounts department to just clear my dues? I'll do that. Thank you.
छोड़ियो मत, छोड़ियो मत। तुमने ना एक मिस्टेक करी, तुझे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था, समझी? नहीं सुनिए सुनिए, डियर पार्क, वो बैकेट 20 मीटर दूर, नॉर्थ नॉर्थ, गोइंग नॉर्थ। मैं समझ गई, नॉर्थ साउथ नॉर्थ, आप कितनी बार ये बात रिपीट करेंगे? नंबर तो नहीं है ना आपके पास? गाड़ी का डिस्क्रिप्शन तो दिया था मैंने आपको। हाँ हमने वो फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली है, पता नहीं क्या देख लिया आपने। ठंडी है भाई, ठीक है, अब कितना शोर शराबा करना है कर ले ले। बचाओ, बचाओ, हेल्प, 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 हेल्प। बहुत सुन, बचाओ बचाओ कर रही है, वहां बुला रही थी फोन पे, आ जा आजा करके। डॉपी, मैं सब भूल जाऊंगी, मुझे छोड़ दे प्लीज, मैं सब भूल जाऊंगी। अच्छा, I want you to remember this. ठीक है, तुझे पता होना चाहिए तूने क्या किया है। छोड़ दे प्लीज, सॉरी यार, सॉरी। नो नो नो, यू आर नॉट सॉरी, यू आर प्राउड। हाँ भाई, who wants to go first? हेलो, तुम्हारी बहुत ही एफिशिएंट पुलिस कुछ करती है नहीं अमोद, निकलूं क्या मैं? दवाई खाकर सड़क पर उसे ढूंढने। अरे दीपक, सैगल, कोई नॉर्थ, नॉर्थ उसे उठा के ले गए, वो लड़की नॉर्थ, यस, बैक इट, कोई नॉर्थ। हमें समझ गया, नॉर्थ में समझ गया। छोड़ दे प्लीज, प्लीज छोड़ दे यार, प्लीज छोड़ दे। लग रहा है यार तुम लोग के चिकोड़ा कोई नॉर्थ, यू डंपी सर्च ना। हमने हॉस्कार, साकेत सब पुलिस स्टेशन देखे, ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। आराम से यार, जल्दी है क्या? गेटिंग टर्न ऑन, इसको मुझे नहीं करवाने, इससे बदला लेना है। गाड़ी रोक यार, एक बार गाड़ी रोक ना, गाड़ी रोक। किसी को ना कुछ बोलियो मत, समझी? ये सिर्फ इंट्रो था, ओके? कैच यू लेटर। चल निकल। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, लेट्स जस्ट लीव दिस प्लेस।
हाँ शौकीन जनाब, जनाब एक कंप्लेंट आई है, वो लड़कियों का केस है, तफ्तीश करनी पड़ेगी जनाब। हाँ तो करो, क्या प्रॉब्लम है? जनाब जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है ना, वो रंजीत सिंह का भतीजा है। साउथ दिल्ली वाला? जी। हाँ तो रखो फोन। जय हिंद जनाब। सर मैं जेसीपी अमोद बोल रहा हूँ। सर वो रंजीत सिंह के भतीजे के खिलाफ सूरजकुंड में रिपोर्ट दर्ज हुई है। सर मॉलेस्टेशन का मामला है। राइट सर। कहाँ हुआ ये सब? सूरजकुंड में। कौन कौन थे वहां? मैं विश्व और डंपी थे। मुझे नहीं था। ये आपके साथ पटियाला गया था। और लड़कियां कहाँ की थी? एक तो दिल्ली की है, एक लखनऊ से है, और तीसरी अरुणाचल सिक्किम विक्किम कहीं से तो है। नॉर्थ ईस्ट से। जाओ तुम जाओ, वीरू तू यहीं रुको। इतनी बड़ी दाढ़ी होगी तेरी, अब तो इन बच्चों के साथ उठना बैठना बंद कर दे। सूरजकुंड पुलिस थाने से हैं जी। जी बोलिए। एफआईआर लॉज हो गया। तुम दोनों में से मीनल कौन है? जी जी मैं। चलो जरा नीचे। क्यों? पर क्यों? एसएचओ मैडम बात करेंगी। अरे तू यहाँ बात करिए ना। यहाँ मैं क्या करूँगी बात, मैडम ही करेंगी। एसएचओ मैडम देख क्या रही हो? चलो। पूछताछ करनी है मैम। ऊपर चल के बात करते हैं। क्या ऊपर चल के बात करते हैं? प्रॉब्लम क्या है? चल बैठ। वारंट है इसके खिलाफ मुकेश। 307 का चार्ज लगा मैडम, अटेम्प्ट टू मर्डर, और 7 दिन से हम लोग तलाश कर रहे हैं। चलिए बात करनी मैडम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक हफ्ते से ढूंढ रहे हैं इसको। आई बात समझ में। बताइए सूरजकुंड थाने में आ जाइए, पता चल जाएगा। कंप्लेंट हमने करी थी बट लड़कियां अकेली रहेंगी तो ऐसा ही होगा। आज पुलिस भी आई गई हमारे यहाँ। एक्सक्यूज मी, आपने कहा था कि एसएचओ मैम 11 बजे तक आ जाएंगी, 12 बज गए। मैडम आने पे बता दिया जाएगा आपको, लेकिन कुछ टाइम तो। मैडम बैठिए बाहर, चलिए आप। हाँ पुत्र, मैं आ गया हूँ यहाँ पर थाने पे। हाँ किधर आना? बाद में आएंगे मैडम, उधर जाके बैठिए। 6 बजे के बाद यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन आप कब तक रखेंगे उसको लॉकअप में? एक बार मिलने तो दीजिए। दो टाइम वेस्ट कर रहे हो मैम आप अपना। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट में जाकर आप बेल की तैयारी करो। साढ़े 8 बज गए हैं, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अंकल आप जाइए ना, हम लोग हैं यहाँ पे। विल वेट। बेटा कैसे चला जाऊँ मैं? चीजें आ गई वो। मैम प्लीज एक बार। राजेश जी। मैडम 2 मिनट के लिए मिलवा देना। जी थैंक यू मैम। चलो थैंक यू।
मीनू बेटा तू ठीक तो है? पापा आप घर चले जाइए पापा प्लीज पापा घर चले जाइए आप क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा वारंट दिखाया तो था इसे आपकी छोरी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है लड़का मर मुरा जाता तो हम्म पेशा करते वो पता है कि नहीं आपको क्या बोल रही हैं आप चुपचाप खड़ी रहे बाहर निकलवा दूंगी नहीं तो ये क्या बताएंगी इनका भी नाम इस केस में एक काम करो यह है जी आपकी FIR की कॉपी I told you to be careful. Paper gone. What paper? Paper. Oh, copy. Complaint copy. हाँ लेकिन आपको क्या करना है? I just want to charge him. Hey, you show me the complaint paper. So, Meenal. Police station man, you're Falak and Andrea. She's Andrea. Charges are section 320 with 324, causing grievous injury. Section 307, attempt to murder, attempt to extort, and prostitution. Friday court hai, taki bail na mil sake. Bail to waise bhi nahi mil sakti. They said it's a non-bailable offense. Pen? You got a pen? एक लॉयर करना सैटरडे को सेशंस जज के घर पे जाकर एक इमरजेंसी बेल प्ली डालने को बोल यस इमरजेंसी बेल प्ली वैसे वुमेन और माइनर्स को बेल मिल सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए यस फलक सी दिस कोई नहीं सकता पॉसिबिल नहीं हो सकता मिस्टर कुमार एक रुक गया हाँ जी मैम अरे आपको बोला था मंडे को आने के लिए मैंने हो जाएगा मैं मंडे का आपका बिल 100% करा दूंगा थोड़ा उसका ख्याल रखना पक्का हो जाएगा और नंबर तो है मेरा आपके पास ना जी नहीं तो इनके दोबारा नंबर दे देना ठीक है मैडम मैडम वेट मिनल चलो 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 हमें कौन लॉयर से मिल रहे ठीक है मंडे तक हो जाएगा तुम आगे मिला यूरिन की बहुत स्मेल आती है अंदर फलक उल्टी सी आ रही लीगल टर्म्स यूज कर रहे थे
consultations, conference. Blocking fees. Yes, yes, yes. So, sabne mana kar diya hai. But there is a lawyer who's willing to represent us. Yeah. Who? Some Kumar. Then what do we do? Mr. Sehgal, hum sab bahut dar gaye. Meenal ko maine itna helpless kabhi nahi dekha. She's a very brave girl. Mr. Sehgal, Meenal bahar aa jayegi na. We are normal working girls, Mr. Sehgal. I'm on medication. I neither pump or handle. Yeah, trial. What's a trial? मिल जाने से मैटर खत्म नहीं हो जाता. ट्रायल के लिए ठीक से प्रिपेयर करना होगा. यह एफिडेविट साइन करें यहां पर. पंद्रह तारीख की डेट मिली है हियरिंग के लिए. यू ऑल मस्ट बी रेडी. Thank you.
नंबर 541 स्टेट वर्सेस मिनल अरोरा प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड सर कुछ लॉज इसलिए बनाए गए थे क्योंकि सोसाइटी में औरतों का बुरी तरह से रिप्रेशन हो रहा था तो उनकी सेफ्टी के लिए कई नए कानून बनाए गए या एग्जिस्टिंग लॉज को मजबूत किया गया जैसे कि रेप डाउरी और मोलेस्टेशन को लेकर जो लॉज थे उन्हें अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से अब कई महिलाएं इन्हीं लॉज को लेकर शरीफ और डिसेंट लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही हैं उन्हें ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रही हैं इस केस में भी यही हुआ है पहली मार्च की रात को एक रॉक कंसर्ट में मीनल अरोरा और उसके फ्रेंड्स ने पहले राजवीर सिंह और उसके दोस्तों से दोस्ती गाठी उसके बाद में राजवीर सिंह ने जब इन्हें पास के आरएस रिसॉर्ट में डिनर के लिए इन्वाइट किया इन गुड फेथ तो उन्होंने इन्हें सॉलिसिट किया और उसके बाद में पैसे के बदले सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के ऑफर दिए तो पहले तो राजवीर घबराया उसके बाद में उसने साफ मना कर दिया तो मीनल ने उसे थ्रेट दी उसे रेप के इल्जाम में फंसाने की धमकी दी राजवीर ने फिर भी इनकार किया तो मीनल ने उस पर हमला कर दिया उसकी जान लेने की कोशिश की ये अटैक वॉज टोटली अनप्रोवोक्ड एंड विशियस और उसके बाद में ये लड़की अपने साथियों के साथ घटनास्थल से भाग गई सर इसमें क्लियरली अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट सॉलिसिटिंग सेक्शन 320 टू बी रेड विद 324 के अंडर कॉजिंग ग्रीवियस इंजुरी एंड सेक्शन 307 के अंडर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस बनते हैं सर एंड दैट इज ऑल योर ऑनर दीपक जी Mr. Sehgal. Sir. Yeah, Your Honor. Opening up, give minutes, please. So let me make it clear, police ke paas koi case nahi hai. Deepak ji, aap zara zor se bolenge, please. Sir, let me make it clear, police ke paas koi case nahi hai. It's a case of vindictive litigation. Case is actually, ye bante hai, section 354... outraging the modesty of a woman, aisa Rajveer Singh ne mere client Meenal Arora ke saath Surajkund ke RS resort mein kiya. Lekin police ne Rajveer Singh ke influence mein aakar mere client Meenal Arora ki complaint ko ignore karke Rajveer Singh ki complaint ke basis par ek charge sheet darj kar diya. Dusra charge hai section 503 to be read with 506 criminal intimidation. ये लड़के कॉन्स्टेंटली उस घटना के बाद मेरे क्लाइंट और उनके दोस्तों को धमका और डरा रहे थे देवर और उस उसे उस क्राइम को छुपाने के लिए इन्होंने दो जुर्म और किए सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अंकित मल्होत्रा और रौनक आनंद उर्फ डम्पी ने अपने दो साथियों के साथ मेरे क्लाइंट को एक गाड़ी में कन्फाइन किया और उसे रेप मोलेस्ट किया और कुछ सर इज दैट ऑल यस प्रशांत जी सबसे पहले मैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सरला प्रेमचंद जी को बुलाना चाहता हूँ आपने फाइनल चार्जशीट किस बेसिस पे फाइल की ऑफिसर जनाब लड़कों की कंप्लेंट मेरे पास बहुत पहले आ चुकी थी और महिला ऑफिसर होने के नाते क्योंकि मामला लड़कियों का था तो मैंने डायरेक्ट एक्शन लेने की बजाय डिटेल इन्वेस्टिगेशन की थी तो इससे ये पता चला जी कि घटना के वक्त लड़कियां आरएस रिजॉर्ट में मौजूद थी और लड़कियों के एफआईआर में दम नहीं लगा जी मुझे कुछ तो फिर आपने इमीडिएटली मिस अरोरा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जनाब ये फरार थी फिर बिना इनके किसी कन्फेशन के आपको कैसे पता चला कि इन्होंने ही राजवीर को बुरी तरह से मारा कंप्लेंट के बाद जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ के मैनेजर और वेटर ने जी इनके खिलाफ गवाही दी थी राइट जिस बोतल से वार किया गया वो भी आपने बरामद की जी जनाब एग्जिबिट PW11 है सर मीनल अरोरा के फिंगरप्रिंट्स भी हैं दैट्स ऑल दीपक जी क्रॉस लेंगे नो क्रॉस मैं इमीडिएटली डॉक्टर उदय को बुलाना चाहूंगा चोट किस इंटेंसिटी से की गई थी बोतल टूटती नहीं तो द ब्लंट फोर्स ट्रॉमा टुडे प्रॉब्ली किल्ड राजवीर सिंह काफी डीप कट था बोतल बहुत फोर्स से मारी गई थी कांच के कुछ टुकड़े अगर किसी क्रिटिकल आर्टरी को पियर्स कर देते या थोड़े भी इधर उधर हो जाते तो राजवीर की जान भी जा सकती थी जी दैट्स ऑल योर ऑनर दीपक जी क्रॉस नो क्रॉस योर ऑनर मैं अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए आरएस रिसॉर्ट के वेटर मुकेश कुमार को बुलाना चाहूंगा ये वही लड़की है जिसने राजवीर पे हमला किया था जी क्या हुआ था उस रात को जी उस रात ये आराम से पहले बैठे हुए थे हंस हंस के बातें कर रहे थे आपस में मैंने लड़कियों के हाव भाव और कपड़े देख के मैनेजर साहब को पहले ही कहा था कि ये कोई कपल वपल नहीं है निकाल दो सुबह ही जाएंगी अब ऐसी लड़कियां मैंने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े डाले हुए डोंट स्पीक आउट ऑफ टर्न
नहीं, लेकिन सिर्फ कपड़ों से तो आप ऐसी बातें गैस नहीं कर सकते ना। नहीं तो ये लड़कियां लड़कों के कमरे में क्यों जाती, आप ये सोचिए ना। और वहां भी एक एक लड़की एक एक लड़के को अलग अलग ले जा रही थी। पहले कौन लड़की गई? जी वो चश्मे वाली। But sir, I just went to use the toilet. मिस्टर सैगल, अपने क्लाइंट से बात कीजिए। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद अचानक से चिल्लम चिल्ली हुई, मैं वहां गया तो ये वहां से भाग के जा रही थी और इन साहब का चेहरा पूरा खूनम खून हो रखा था। That's all, Your Honor. दीपक जी, no cross. Sir, what? Sir, why are you not questioning? अब मैं मैनेजर रमाकांत विजय को बुलाना चाहूंगा। आप कोर्ट को ये बतलाइए कि जब आप अपने कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहे थे नीचे रेस्टोरेंट में, तब मीनल राजवीर से क्या कह रही थी? सर मैं कैसे बता सकता हूँ इतने लोगों के बीच में? आई अंडरस्टैंड आप हिचक रहे हैं, लेकिन कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं होता, तो प्लीज जरा जल्दी बताइए। सर वो कुछ लड़का लड़की जो प्राइवेट में करते हैं ना आपस में, वो उसकी बात कर रही थी और मैं वहां से गुजर रहा था तभी मैंने ये सुना। बोल रहे हैं सर, ही इज लाइंग। गेट योर चांस। मगर मैंने ऐसा कुछ कहा है। दीपक जी, मीनल जज साहब कह रहे हैं कि यू विल गेट योर चांस, जस्ट सिट डाउन एंड बी क्वाइट, जस्ट सिट। क्रॉस करेंगे आप? नो क्रॉस योर ऑनर। मीनल अरोरा, प्लीज टेक द स्टैंड। आप पे चार्जेस बहुत सीरियस हैं, आपको कुछ बोलना है? तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर। अब जाइए। प्लीज राइट, द अक्यूज्ड हैज प्लीडेड नॉट गिल्टी। Let's see, how are you today? Good. So this is done, this is okay. Doctor, मैं घर जाना चाहती हूँ। दीपक, दीपक, कैसे हो? टाइम पे दवाई ले रहे हो ना? What? सारा घर जाना चाहती है, मगर सो एंड्रिया प्रियांग, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं? यस। नॉर्थ ईस्ट में कहां से? मणिपुर से। मेघालय से। आप ये बताइए कोर्ट को कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन सर, कोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। प्रूव करने के लिए सवाल करना जरूरी है ना मिस्टर सैगल? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सॉलिसिटिंग? दिस इज अ लाई, आई डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। एंड्रिया, यू डोंट हैव टू जवाब देना, जरूरी नहीं है। सर, आई वर्क एट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आई एम बीइंग रॉन्गली अक्यूज्ड। तो फिर आप उस दिन डंपी के साथ दूसरे कमरे में क्यों गई थी? टॉयलेट करने गई थी। तो काफी देर रुकी भी थी आप उस रूम में? Yes, but he... I don't want an explanation, ma'am. I just want an answer, clear-cut answer. Yes, I was there for some time. You were there. तो जिस रूम में आप टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए गईं, उस रूम का दरवाजा किसने बंद की? I don't remember. नहीं, आपने बंद की। होटल के सिक्योरिटी में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें साफ फुटेज है। पहले लंबी अंदर जाता है, उसके बाद में आप अंदर जाती हैं, उसके बाद में आप तो अपने दोनों हाथों से दरवाजा क्लोज करते हैं। Then maybe I did. That's all, Your Honor. I would like to cross question. So, Andrea, आप नॉर्थ ईस्ट से? मेघालय, मेघा, क्लाउड्स, माउंटेन्स, ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड फुटबॉल। हाउ इज दिस रेलेवेंट? दीपूजी, आई थॉट इट इज। मुकेश कुमार से नहीं पूछा कि क्या वो राजस्थान से है, सरला प्रेमचंद जी से नहीं पूछा कि वो हरियाणा से क्यों है, डॉक्टर से नहीं पूछा, रमाकांत विजय से नहीं पूछा। सो आई थॉट कि प्रशांत जी अगर अंद्रिया से पूछ रहे हैं तो दे मे बी सम रेलेवेंस। सो आई फील एज अ नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल, आई एम बीइंग हैरस्ड मोर देन द एवरेज इंडियन गर्ल ऑन द स्ट्रीट। सो Andrea, what was the reason कि आप उस कमरे में गई? राजवीर said the flush wasn't working.
He told me to go to the other room. Check kiya tha aapne? Nahi, but Rajveer ka room tha. He told me to go to the other room. What could I have done? Aap akele kyun nahi gayi? Rajveer said that the room was locked. He told Dumpy to open it for me and he just followed me to the other room. Why did you shut the door and not him? Socha nahi clearly. I was in a rush. He was turning on the lights. It was instinctive. Fair enough. Fir aap wahan ruk kyun gayi? Kya kiya aapne? Answer me. The court wants to know. First, I used the toilet. Then when I came out of the toilet, he had switched off the lights. I called out his name a few times. I was scared to step out. And then I heard him laughing in the room. Then wo mujhe touch karne laga. He pushed me to the bed. And he started touching my... He touched my... That's all, Your Honor. Prashantji, it seems quite clear ki Andrea's room mein kyu gayi aur itni der kyun ruki, etc., etc. But I do get your point. And your point leads me to the making of a girl's safety manual. Kisi bhi ladki ko, kisi bhi ladke ke saath, kahin bhi, akele nahi jana chahiye. Kisi resort mein ya kisi toilet use karne ke liye to bilkul nahi. Kyunki aisa karne se wahan ke log aisa assume kar lete hain ki wo willingly wahan par aayi hai aur unhe use touch karne ya chhune ka license issue kar diya gaya hai. Rule number one. Let's not moralize the issue, Mr. Sagal. Let's talk about the facts. Sir, मैं अब रौनक आनंद उस डंपी को बुलाना चाहूंगा. रौनक आनंद, आप आइए. डंपी आनंद, आप उस रात आंड्रे के साथ दूसरे कमरे में गए? ठीक है. तो होटल के लॉबी में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके हिसाब से काफी देर तक अंदर थे आप दोनों. जी था. इतनी देर तक आप दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? सर ऐसी बातें मैं ओपनली कैसे बता दूं? आप केस कर लीजिए. He's lying. आप चुप रहिए. Sir, she told me कि मीनल राजवीर से पैसों की बात कर लेगी. मैं काफी घबरा गया था सर, बिकॉज शी स्टार्टेड किसिंग मी और मेरे शर्ट के बटन खोलने लग गई. मैंने इन्हें रोका, इन्हें समझाने की कोशिश की. हाँ, डंपी आनंद, कोर्ट ये क्यों मान ले कि आपने उस वक्त रेसिस्ट किया? After all, you look like a fairly handsome and young, healthy man. And Andrea is very pretty girl. हसीन खूबसूरत लड़की के साथ में आप एक कमरे में बंद थे और आपने कुछ भी नहीं किया, रेसिस्ट किया अपने आपको, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव. Sir, because I have a girlfriend, I'm committed to her. And I come from a very decent family, sir. I object. To what? To this awkward performance. He's overacting. Sir, ye bakwas kar raha hai. He was flirting with her whole night. And she was just trying to ignore him. Ab main inhi ko, who accused Falak Ali ko, bulana chahunga. I think she has a lot to say. To apne ghar mein kamane wali sirf aap hai? जी. आपके भाई के इलाज में तो काफी खर्च वगैरह होता होगा, मतलब ही इज़ ए स्पेशल चाइल्ड. जी. अब सैलरी कितनी है आपकी? 40,000. और हैंड में कितने मिलते हैं? 30,000. कुछ लोन्स वगैरह? जी, एक पर्सनल लोन है और एक होम डेवलपमेंट लोन. होम डेवलपमेंट लोन, तो पैसे की तो बहुत जरूरत रहती होगी आपको. रहती है, मगर और कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट? नहीं सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. नेचुरली मैं ये खाली पूछना चाह रहा था कि आपको पैसे की जरूरत रहती है और ये बतलाना चाह रहा था कि कहीं से आपका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं. अब ये मैं क्यों पूछ और कह रहा हूँ, यू नो, इसके लिए मैं राजवीर सिंह को बुलाना चाहता हूँ. राजवीर सिंह, आप आइए. उस दिन क्या हुआ था या उस रात को क्या हुआ था, कोर्ट को बताइए सर. वेल, यू हैड अ रॉक शो एंड ऑब्जेक्शन. इसमें क्या ऑब्जेक्शन है आप? वी ऑल नो राजवीर सिंह की आपकी इनिशियल स्कूलिंग एक टॉप इंटरनेशनल स्कूल में हुई. उसके बाद आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिला और आपने वो ना परस्यू करके इकोनॉमिक्स करना चाहा. पहले तो आप यही यूनिवर्सिटी में पढ़े, पर उसके बाद आप किंग्स कॉलेज लंदन गए इकोनॉमिक्स पढ़ने. मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए काफी
मुश्किल होगा बट कैन यू रिमूव योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट शो अच्छा फिर सर इन्होंने हमें एक रॉक शो में देखा फिर खूब घुल मिल के हंस हंस के बातें की आपको उस वक्त शक नहीं हुआ कि बिना किसी जान पहचान के ये इतना खुल के कैसे बातें करें सर रॉक शो में उतना शक नहीं हुआ लगा लड़कियां थोड़ी फ्रेंडली सी हैं हाँ। लेकिन रिजॉर्ट में साफ यकीन हो गया जब इन्होंने हिंट्स दिए हिंट्स क्या हिंट्स यही कि चलो अलग अलग चलते हैं यू कैन गिव अस समथिंग एंड वी कैन ऑल हैव अ गुड टाइम ना लेकिन फिर भी क्लियरली कुछ नहीं कहा नहीं सर पर जब इन्होंने फिर थोड़ी पी ली तो रूम में साफ साफ बात की क्या बात यही कि पैसों के बदले में हम इन लोगों के साथ एंजॉय कर सकते मैं समझा नहीं जरा खोल के बताइए सर थोड़ा शक तो तब हुआ जब ये हमें अलग अलग ले और आप घबरा गए इसके बाद में और आपने ऑब्जेक्शन प्रशांत जी आपने इन्हें स्टैंड में क्यों बुलाया है आप खुद ही बोल दीजिए ना प्रशांत जी प्लीज डोंट लीड द विटनेस सर रिजॉर्ट में मीनल ने मेरे लिए एक ड्रिंक बनाया फिर मुझे टच करने लगी मैंने भी रिस्पॉन्ड किया एक्चुअली आई वेंट विद द फ्लो लेकिन फिर इसने मुझसे पैसे मांगे एंड आई वाज शॉक्ड मैं घबरा गया कि लड़कियां गलत हैं मैंने इनको जाने के लिए बोला मैंने इससे ये भी बोला कि मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना राइट लेकिन फिर इसने बोला कि करना है नहीं करना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम आपको पैसे देने पड़ेंगे वरना मैं चिल्लाऊंगी कि आप लोग मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन और पैसे देने के लिए आप तब भी नहीं माने नहीं सर फिर सर इसने मुझे धक्का वक्का मारा इसके हाथ में जो बॉटल थी उससे मुझ पर अटैक किया दैट्स ऑल योर ऑनर आई नीड टू क्वेश्चन राजवीर सिंह आपने अभी कहा कि उसने कुछ हिंट्स दिए आपको कैसे हिंट्स दिए उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रही थी स्माइल वाइल दे रही थी टच कर रही थी हाथ से बात करते वक्त ओ आपकी बात खत्म हो गई जी आपने कहा कि वो आपके साथ हंस हंस के बात कर रही थी और आपको टच कर रहे थे सो बेसिकली That becomes the making of rule number two of the girl's safety manual. किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ हंस हंस के या उसे टच करके बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उसे हिंट समझ लेगा हंसी को हाँ और उसका जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है वो उसके चालू होने का सबूत बन सकता है वो ये देते वो सूरज कुंड कांड वाली हाँ भाई लगती हुई है सर मैं सच कह रहा हूं मैंने देखा है मेरी सोसाइटी के बहुत लोगों ने देखा है लड़के तो आते हैं इनके यहाँ कभी कभी गुप्ता जी रात को ये जो लड़के आते हैं जो कभी कभी घर आते हैं इनके क्या ये सभी दोस्त हो सकते हैं दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं साइकिल साहब तो क्या करते हैं ये अंदर आपने कभी इनकी बालकनी पे चढ़ के नहीं देखा मैं ऐसे किसी के घर में कैसे झांक सकता हूँ तो आपने कभी इन लड़कियों को इन लड़कों से पैसे लेते हुए या उनके साथ बेड या बिस्तर पे सोते हुए नहीं देखा होगा नहीं मगर नहीं मैं मगर की गुंजाइश है ही नहीं गुप्ता जी हमारी सोसाइटी के मिस्टर सिन्हा और मिस्टर गुप्ता दे आर मियरली प्रिज्यूमिंग थिंग्स बट दे मेक एन इम्पोर्टेंट पॉइंट लड़कियां लेट आती हैं हमारे यहाँ घड़ी की सुई कैरेक्टर डिसाइड करती है रात को लड़कियां जब सड़क पे जाती हैं अकेले तो गाड़ियां स्लो हो जाती हैं उनके शीशे नीचे उतरने लगते हैं दिन में ये महान आइडिया किसी को नहीं सोचता नेवर आपका अपना घर है दिल्ली जी कहा करोल बाग में तो वहां तो आपके पेरेंट्स रहते हैं तो उनको छोड़ के इन लड़कियों के साथ में अलग एक रूम में क्यों रहनी थी सर मैं एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन हूँ मेरा डांस शोज कभी कभी लेट खत्म होते थे और जब तक मैं घर नहीं पहुंचती थी मेरे पेरेंट्स जागे रहते थे उनको तकलीफ ना हो ये आपका आइडिया था कि आप वो काम वहां नहीं कर सकती जो कि अब यहां करती सैकड़ों इंडिपेंडेंट लड़कियां लेट नाइट शिफ्ट में काम करने लड़कियां आज भी अपने घर में आराम से रहती आप पैसे चुनती
मीनल, अंद्रेया, ए फलक। Ugly hearing about this guy. 99th. से इन लड़कों से कहां और किन सर्कमस्टेंसेस में मिले? हम एक रॉक शो में मिले थे। मिश्वा को मैं पहले से जानती थी, मेरा स्कूलमेट था। उसी ने हमें राजवीर और टम्पी से इंट्रोड्यूस करवाया। आप इनमें से किसी को पहले से जानती थी स्कूल से, इसलिए और आप इनके साथ गए? तब इनमें से किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की हो जिससे आपको लगा हो कि आपको इनके साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं, नहीं सर, हमें लगा कि हम सेफ हैं। फिर इन लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने पे हमने सोचा डिनर करके चले जाएंगे। विनोद जी, आप स्माइल करती हैं, एक्स्ट्रा फ्रेंडली थी आप। I was normal. Normal. खाना पीना normal, हंसना। इतने अच्छे hosts थे आपके ये मीनल जी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? सर पे बोतल दे मारी क्यों? सर, he grabbed me. छोड़ ही नहीं रहा था सर। I don't know what came over me. Can't really explain. बट सर, एक बहुत गंदी फीलिंग होती है जब कोई इस तरीके से छूता है। Then I lost it. I'm really sorry. इसको इतनी जोर से लगी। I didn't intend to. किसको अच्छा लगता है सर कोई इस तरीके से छुए जबरदस्ती? Need I say anything more, Your Honor? Look here. Meenal Arora says Rajveer Singh tried to outrage my modesty, and I did so to protect myself. Prashanti Cross. drama. The theatrics continue, Your Honor. ये बड़ी अच्छी तरीके से एडिट करके आपने घटना की रात वाली बातें बताई। अब जो फैक्ट्स छूट गए हैं वो मैं कोर्ट के सामने लाना चाहूं। मैं आपसे क्लियरली पूछता हूं देवी जी कि आपने कितने पैसे मांगे? ऑब्जेक्शन। प्रशांत जी, केयरफुल। सर, मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि एक लड़की एक लड़के को सिर्फ थोड़ा बहुत जानती है, सिर्फ इसलिए वो उनके साथ में होटल के रूम में चली जाएगी। कौन सी लड़की ऐसे अचानक अजनबियों के साथ में रिसोर्ट में जाती? मुझे लगा पहले वो सेफ है, बट आई एग्री इट वाज अ मिस्टेक। मुझे नहीं जाना चाहिए। इट वाज नॉट अ मिस्टेक मैम, इट वाज अ कैलकुलेटेड मूव। नो, यस, आपने खुद बोला कि वो लड़के आपको सेफ लगे। व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? मतलब लगा नहीं कि वो हार्मफुल। हार्मफुल नहीं, लगा नहीं कि वो हार्मफुल है, यानी कि आपको लगा नहीं कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगे या पहुंचाना चाहेंगे? जी, सीधे टाइप के डिसेंट लड़के। हम अगर मैं तो आपको ये भी लगा होगा कि लड़के थोड़े फ्लैम्बॉयंट और रिच हैं, दे माइट बी इंटरेस्टेड, ये आपसे दब जाएंगे और आपको पैसा एक्सटॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं, ना तो वो इंटरेस्टेड निकले और ना ही वो आपसे दबे, और उसी वजह से इंसिडेंट हुआ। खाने की रिक्वेस्ट
और इंसिस्टेंट की वजह से नहीं गई यहाँ। उस टाइम फ्रेंडशिप हो गई थी। फ्रेंडशिप में सालों लगते हैं मिस मिनल रा। जान पहचान। जान पहचान। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप राजवीर सिंह और उसके फ्रेंड्स का बैकग्राउंड जान गए कि वो इतने अमीर। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि वो कितने अमीर या गरीब या वेल कनेक्टेड है सर। चलिए मान लेते हैं कि आप बिना किसी मकसद के, बिना किसी ऐसे वैसे मकसद के वहां पहुंच गए डिनर के लिए, तो फिर ड्रिंक्स क्यों करने लग गई आप? इन्होंने ऑफर किया, इन्होंने ऑफर किया तो हमने एक एक ड्रिंक ले ली। चलिए कम से कम इसमें आपने क्लेम तो नहीं किया कि जबरदस्ती की गई। सर एक फोटोग्राफ हमने सबमिट की है फॉर द रिकॉर्ड, ये अपना ड्रिंक खुद बना रही थी, इत्तफाक से डंपी के मोबाइल पर ही कैप्चर हो गया। सर टेबल बहुत छोटा था। हाँ। तो राजवीर ने मुझसे वो बॉटल मांगी, काफी दूर थी उसके लिए, तो मैंने ड्रिंक उसके लिए पोर करके। पॉइंट नोटेड हियर योर ऑनर कि राजवीर के लिए खुद इन्होंने ड्रिंक बनाया, यानी कि तैयारी रूम के अंदर जाने के साथ ही शुरू हो चुकी। सर बॉटल दूर पड़ी थी तो। हरीशो कि आपने एक ही ड्रिंक ली थी? एक ड्रिंक। हाँ? बाहर रेस्टोरेंट में। बाहर। फिर एक, एक? रूम में आके। बाहर नीचे आपने ऑब्सीन कन्वर्सेशन छेड़ा था राजवीर से, जिसके विटनेस मैनेजर भी हैं। व्हाट वाज दैट अबाउट? आई डोंट रिमेम्बर। यू डोंट रिमेम्बर? तो लेट मी रिमाइंड यू कि उसमें आप एक सेक्सुअल एक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रही थी राजवीर को, मैनेजर ने अपने कानों से सुना। So were you describing different acts and how much you charge for it? I remember वो उसने एक जोक सुनाया था तो रिटर्न में मैंने भी एक जोक। जोक? What was the joke? प्रशांत जी क्या है ये? Sir, let her tell the joke. You're not बड़े bluff कर रही। I want to call her bluff. झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही। तो सुनाइए ना परेशानी क्या है? अगर description जरा सा भी roughly भी वैसा होगा जैसा कि मैनेजर ने सुना तो हम मान लेंगे। आई कांट से। क्यों? क्या बना नहीं पा रहे हैं जो? प्राइवेट में और पब्लिक में जोक सुनाने में। इसमें पॉइंट ही ऑन। जब एक लड़की ऐसा जोक पब्लिकली सुना नहीं सकती तो वो पब्लिकली एक्सेप्ट कैसे करेगी कि वो वहां ऐसे वैसे काम के लिए गई थी? वो नेचुरली यही कहेगी कि वो वहां पर सिंपल डिनर और सिंपल ड्रिंक्स के लिए गई थी। लेकिन कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि वो उन लोगों के साथ गई जो नितांत स्ट्रेंजर्स हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर्स हैं उसके लिए। एंड दैट इज व्हाई वी कांट डिपेंड ऑन हर स्टेटमेंट, वी विल हैव टू डिपेंड ऑन अदर एविडेंसेस, दिस वीडियो एविडेंस विच वी वॉन्ट टू प्ले इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट विल प्रूव कि उन्होंने पैसे मांगे और लिए। ये पहली क्लिप में कैमरा वन की फुटेज में ये फलक जो है वो अकेले बाहर आती और फिर तीनों लड़कियां एक साथ बाहर आती हैं। इन तीनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और ये तीनों मिलकर कुछ डिसाइड करती हैं, फिर अंदर चली जाती। और ये कैमरा टू का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें से एंड्रिया जो है डंपी के साथ बाहर आती है और रूम नंबर 503 डंपी का रूम है उसकी तरफ आगे बढ़ती है। डंपी रूम खोलता है, लाइट ऑन करता है और एंड्रिया दरवाजा बंद करती है और थोड़ी देर बाद रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। फलक विश्वा के साथ बाहर आती है, थोड़ी देर बाद चिलम चिल्ली होती है, सब राजवीर के कमरे की तरफ भागते। वजह अंदर मीनल ने राजवीर से और पैसे मांगे, उसने देने से इनकार कर दिया तो इसने उससे झगड़ा किया और अपनी गलती का एहसास होने के बाद में ये लोग वहां से भाग खड़े हुए। अगर इनकी गलती नहीं होती तो ये लोग वहां से भागती नहीं। अगर इनकी गलती नहीं होती तो ये फोन करके पुलिस को बुलाती, लेकिन ऐसी लड़कियां पुलिस को क्यों फोन करेंगी? वेटर और मैनेजर की गवाही है, इसके अलावा इनके नेबर्स की टेस्टिमनीज है कि जहां ये रहती हैं वहां पर भी सोसाइटी के लोगों को इन पे शक है कि ये कोई ऐसा वैसा काम करती। दिस इज ब्लडी बुलशिट। मीनल अरोरा लैंग्वेज। झूठ बोल रहे हैं आप और आपके क्लाइंट्स भी। इन लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद इंसिस्ट करने की वजह से हम लोग डिनर करने गए थे, कोई पैसे मांगने या लेने नहीं गए थे वहां पे।
रूम के अंदर बहुत स्मोक हो रखी थी और एंड इतनी देर से वापस नहीं आई थी इसलिए पलक बाहर चली गई. द मोमेंट आई गॉट अप टू गो ही स्टार्टेड टचिंग मी. इसको वार्निंग भी दिया, इसको जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था मुझे. तभी मैंने इसके सिर पे बॉटल देखी मारी सर. अगर दोबारा करेगा ना सर तो दोबारा केज की बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं. मीनाल अरोरा, नेक्स्ट टाइम एंड दिस कोर्ट विल हैव यू रिमूव्ड. मीनाल क्वाइट. कोर्ट इज एडजर्न्ड. सर मैंने नहीं मांगे थे सर पैसे. सर मैंने कोई पैसे नहीं लिए सर. प्लीज सुनिए तो सही सर, ये झूठ बोल रहे हैं सर. प्लीज हमने कोई पैसे नहीं मांगे थे सर. अलग बेटा, आज मीनल को घर भेज दो. I'd like to call SHO Suraj Kund. Sarla Premchand ji. Sarla Premchand. Superwoman. Ji. Deepan ji. Your Honor, Superwoman. Superman. Superwoman. Sarla ji, main aapse ye puchna chahta hoon ki complaint file karne ke baad ya itne dino baad tak aapne Meenal Arora ko गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जनाब ये फरार थी, मिले नहीं रही थी, छुपी होंगे कहीं शायद. अरेस्ट होने से पहले ये आपको इतनी इजीली घर पे कैसे मिल गई? जी वो छुपते छुपते शायद बोर हो गई कि कोई ढूंढ नहीं रहा, क्या मतलब है छुपने का. टैक्सी पकड़ी, घर आ गई और आपको सडनली आराम से घर पे मिल गई. हमें जी आई कांट हियर यू. टिप मिली थी जी हमें. जी टिप मिली थी हमें. टिप? Tip off, you mean? किसे? किसे दिया? जी सिविल ड्रेस में हमारी चौकी के लोग छोड़े थे जी, हमने इनके घर के आसपास. Your Honor, ये झूठ बोल रही है. ना जी थे हमारी चौकी के लोग. आप झूठ बोल रही हैं सर. ना जी झूठ क्यों बोलूंगी. आप झूठ बोल रही हैं. जी सर थे वहाँ. No, you're lying. ना जी मैं you're lying. मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ. हमारी चौकी के लोग. You're lying. आपने देखा नहीं थे वहाँ पे. मैं आपसे कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं. ना जी मैं झूठ बोल रही हूँ. झूठ नहीं. इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को इंटिमिडेट करने की जगह अगर मेरे लर्नेड काउंसिल उन्हें गलत साबित करें तो बेटर रहेगा. ओके दैट्स दैट सीम्स फेयर. या सरला जी मैं अपनी बात को प्रूफ करना चाहूंगा. ये जो आपने रिपोर्ट लिखी उसकी कॉपी है, जो इंसिडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट यहाँ डायरी की गई, ये यही है ना? हाँ जी मैंने लिखी है. लेकिन सरला जी उस दिन आप ड्यूटी पे नहीं थी. आपके एक मैरिज फंक्शन में प्रेजेंट होने के विटनेसेस हैं हमारे पास. ये आप हैं जी? नाइस. सॉरी सरला जी, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि आप ड्यूटी पे नहीं थी, रिपोर्ट आपने अपने हैंडराइटिंग में की, अलग इंक अलग पेन से. कैसे? शादी से आ गई थी मैं तब तक. आप
फरीदाबाद सेक्टर 77 के मैरिज हॉल से सूरजकुंड पुलिस स्टेशन सिर्फ 10 मिनट में आए। 11:05 में आप वहां से चले और 11:15 बजे आप सूरजकुंड पुलिस स्टेशन पहुंच गए। 22 किलोमीटर का डिस्टेंस जिसे तय करने में नॉर्मली तकरीबन 42 मिनट लगते हैं, आपने इतनी जल्दी कैसे कवर कर लिया? Let me guess, 132 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसी स्पीड से आप सूरजकुंड पुलिस स्टेशन पे आकर के आपने अपनी गाड़ी रोक दी। आपको स्पीड ट्रैक पे होना चाहिए। हाँ, आप पुलिस डिपार्टमेंट में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। जनाब, इतनी बड़ी घटना थी तो गोली की स्पीड से जिप्सी चला के पहुंच गई जी मैं जैसे तैसे। इतनी बड़ी घटना और गोली की स्पीड से आप अपनी जिप्सी चला कर पहुंची, लेकिन रिपोर्ट आपने सिर्फ 2 लाइन में लिखी। ये आरएस रिजॉर्ट में मीनल अरोरा ने राजीव के सर पर जान लेने के इरादे से बोतल दे मारी, बहुत खून बहा। 2 लाइन में मैटर क्लियर हो गया जी, और इससे ज्यादा क्या लिखती मैं? नहीं, इतनी जल्दी मैटर कैसे क्लियर हो गया? मीनल का पूरा नाम लिखने की आपको जरूरत पड़ी, लेकिन राजवीर का सरनेम आपने नहीं लिखा। मान लेते हैं कि हम लोग भले लोग हैं और इन्हीं राजवीर सिंह को हम वो राजवीर मानते हैं। यही केस था जी, यही डायरी हुई, इससे ज्यादा क्या? जिस वक्त सुशील वत्स ऑटो में बैठे, ये आप ही के लिखा हुआ एक एंट्री है, जिस वक्त सुशील वत्स ऑटो में बैठे मोबाइल था, जब वो उतरे उन्होंने अपनी जेबें टटोली, मोबाइल नहीं था, उन्होंने याद किया कि कब उन्होंने आखिरी बार अपने जिंग 3C, फिर 3C काट के आपने उसे 3G कर दिया। फुर्सत और डेडिकेशन की दाद देता हूं मैं आपको सरला जी, जिंग 3G मोबाइल को देखा था, और इसके बाद भी आपने 10 लाइनें और लिखी। रिक्शे में मोबाइल खो गया, उसके ऊपर आपने आधे पेज की रिपोर्ट लिखी है, जबकि इतनी बड़ी घटना के लिए आपने सिर्फ 2 लाइन। आई विल टेल यू व्हाई। जिस पेज पे आपने रिपोर्ट लिखी सरला जी, उस पेज पर इतनी ही जगह बची थी। ये एंट्री आपने बैकडेट जा करके की। योर ऑनर, ये पुलिस डायरी जिसमें अमूमन आधे पेज या फुल पेज पर रिपोर्ट लिखी गई है, ये अकेली एक ऐसी एंट्री है जो सिर्फ 2 लाइन की है, क्योंकि जिस पेज पे इन्होंने रिपोर्ट लिखी है उस पेज पर इतनी ही जगह बची थी ताकि ये बैकडेट में जा करके अपनी रिपोर्ट लिख सके। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है योर ऑनर। इन दोनों बातों से ये प्रूफ होता है कि इंसिडेंट की रिपोर्ट करना वॉज एन आफ्टर थॉट, आफ्टर मीनल अरोरा डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट राजवीर सिंह एंड अदर्स। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई कुछ यारे कैसे अंगारे जैसे छाऊं छैली धूप मैली क्यों है कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई Are you virgin? ये relevant है. It is, Your Honor. Are you willing to answer this question? In that case, ये session हम in camera कर सकते हैं. आप ज्यादा comfortable रहेंगी. नो सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं ओपन कोर्ट में आंसर करूंगी। प्रोसीड।
Are you a virgin, Miss Arora? हाँ या ना में जवाब दीजिए. Don't shake your head. नहीं. No. At what age did you lose your virginity? ये कैसे relevant है दीपक? Victim के character को बार-बार question किया जा रहा है. I just thought कि एक बार सब कुछ पूछ लेते हैं, unless the prosecution has an objection. नहीं. किस उम्र में आपने अपनी virginity खोई? Was 19. Sorry, I didn't hear you. 19. You were 19. At 19, you lost your virginity, Miss Arora. At 19, Your Honor, she was an adult. Who was the boy? My boyfriend. Does he have a name? Anish. Anish. Did he pay for it? ये कैसा क्वेश्चन? Just answer my question. Did he pay for it? Why would he pay? No, just answer my question. क्या establish करना चाह रहे हैं? I asked you a question. You promised that you would answer me. नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते थे. We were attracted to each other. So pay करने का सवाल नहीं उठता. तो उसने आपको pay नहीं किया. He did not pay you. Did he force you? No. He didn't force me. He didn't pay me. We liked each other. We did it because we wanted to. Right. उसके बाद जैसे कि आपके जानने वाले जिसमें कि विश्वा थे जिन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दी है कि आपके बहुत सारे और भी रिलेशनशिप्स हुए क्या लगभग सभी के साथ आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे कभी कभी थे तो थे यू जस्ट एडमिटेड दैट तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मिस मीनल अरोरा कि उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ आई मीन एक बार और हो जाता तो क्या फर्क पड़ता क्या मतलब इसका मतलब ये है कि पहली मार्च की रात को राजवीर सिंह और उसके साथियों ने भी यही सोचा होगा ना कि ये एक फेली प्रमिस्क्यूअस लड़की है और एक बार और अगर ये हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है मैं समझ सकता हूं कि वो इतने मच्योर नहीं थे कि वो इस बात को सोच सकें कि जब आपके साथ पहले हुआ तो वो आपकी मर्जी के साथ हुआ बिना पैसे लिए हुआ और बिना किसी दबाव के हुआ बट प्रोसिक्यूशन ने यह प्रूव किया है कि यू आर अ वुमन of questionable character. And since you are a woman of questionable character in the eyes of Rajveer Singh, the accused Rajveer Singh and his friends, us din, us waqt, aapne kya aisa kiya? Aapne kya clear indication diya ki is waqt main sex mein interested nahi hoon? What did you say? Maine usko mana मना किया था क्या कहा क्या क्या कहा आपने क्या किया मैंने इसको पुश किया था बोला लीव मी डोंट डू दिस आपने उसे मना किया कैसे मना किया आपने क्या कहा आपने उससे व्हाट डिड यू से मिस मीनल अरोरा व्हाट डिड यू टेल हिम आई सेड नो नो डोंट आई सेड नो Will you say that loud enough for the court to hear, Miss Meenal Arora? What did you say? I said no. I said no. You said no. You said no. She said no, Your Honor. उसके बाद राजवीर सिंह ने बहुत ही गंदे तरीके से उसे टच किया. She was humiliated. इसने थोड़ी सी शराब पी रखी थी और शराब से रूल नंबर 4, Your Honor. किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा करती है लड़के को यह इंडिकेट होता है कि अगर लड़की मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो वो उसके साथ सोने के लिए भी कतराएगी नहीं शराब यहां पर एक
खराब कैरेक्टर की निशानी माना जाता है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं, लड़कों पे ये अप्लाई नहीं होता, लड़कों के लिए ये सिर्फ एक हेल्थ हैजर्ड है, सो टर्म्स एंड कंडीशन डिफर, योर ऑनर, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, स्कर्ट्स पहनना वगैरह वगैरह, ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए, इससे इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन लड़के जो हैं उनको खतरा हो जाता है, बेचारे लड़के उत्तेजित हो जाते हैं इन्हें देख करके और विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ दिस वो गलती कर बैठते हैं। आज तक हम सब लोग एक गलत डायरेक्शन में एफर्ट करते रहे, वी शुड सेव आवर बॉयज नॉट आवर गर्ल्स, बिकॉज इफ वी सेव आवर बॉयज देन आवर गर्ल्स विल बी सेफ। शहर में लड़कियों को अलग नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, लड़के रह सकते हैं लड़कियां नहीं, इंडिपेंडेंट लड़कियां जो हैं वो लड़कों को कंफ्यूज कर देती हैं, लड़कियों को हंस के कभी बात नहीं करनी चाहिए, अगर कोई बात खुशखबरी की देनी हो तो उनके चेहरे पर सीरियसनेस होना चाहिए, लड़कियों को मोबाइल मत दीजिए, उनका एजुकेशन मत कीजिए, उनकी शिक्षा मत कीजिए, उनको जल्दी शादी उनकी कर दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। But I am digressing, Your Honor. My client had a few drinks, and that could have perhaps been the cause of her intense action. That is all that happened. बार बार किसी लड़के को inappropriately छूना एक लड़की क्या करेगी ऐसे मौके पर? What do you expect her to do? अपने सेल्फ डिफेंस में एक कदम उठाना, not causing grievous injury or attempt to murder, Your Honor. Not that at all. अरे ये टिप्स थी मगर इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी साथी तो होश में थी, फलक अली ने क्यों नहीं तोड़ी बोतल विश्वा के सर, वो क्यों आंड्रे के बाद विश्वा के साथ में बाहर निकल गई जिसकी क्लियर फुटेज हमने देखी यहां पर। आई वुड लाइक टू कॉल फलक अली अगेन ऑन स्टैंड। आप किसी प्रोफेसर जावेद को जानती? जी। कैसे? दोस्त है मेरे। दोस्त है? दोस्त है या दोस्त से ज्यादा? ये मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ? ये मेरा पर्सनल मैटर है। अच्छा, ये आपका पर्सनल मैटर। तो ये आपके दोस्त थोड़े बड़े भी हैं उम्र में आपसे, डिवोर्स भी हैं और एक बच्ची के। आई एम सॉरी बट वो उनका पर्सनल मैटर है। योर ऑनर, मैं प्रूव करूंगा कि उनका इनसे कोई संबंध नहीं। This is a purely business relationship. ये सिर्फ उनके clients. नहीं, आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं लड़की के बारे में? ये कुछ बैंक स्टेटमेंट है जो मैं कोर्ट के सामने रखना चाहूंगा, इनसे इनकी एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिलेशनशिप प्रूव होती। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं लड़की के बारे में? ये आपके अकाउंट में, उनके अकाउंट से ओवर द ईयर्स मतलब एक दो साल में हर महीने 25,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, इसका मतलब बताएंगे आप? लोन्स लिए हैं मैंने मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए और अब मैंने लौटाने शुरू भी कर दिए हैं। उन ट्रांजैक्शंस के बारे में क्यों नहीं बताते आप लोगों को? वही बतवाने वाला था सर कि इन्होंने अब वो लोन्स लौटाने शुरू किए हैं थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े पैसे करके, अब यानी कि इस केस के फाइल होने के बाद। आफ्टर ऑल इन्हें मालूम था कि यह बात कोर्ट में लाई जाएगी। प्रोफेशनल एंड शी हैज अ शार्प माइंड। हर बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के क्यों पेश करते हैं? ब्रेकअप हुआ है हमारा, वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड दैट्स व्हाई आई एम रिटर्निंग द मनी। आप लौटा रही हैं क्योंकि आपने लिए थे, क्योंकि आपको जरूरत थी और आपको जरूरत हमेशा रहती है पैसों की। ऐसे ही आप अपनी इनकम सप्लीमेंट करती हैं क्या? इसलिए आप उस रात अंडर के बाद कमरे से भाग गई? ऑब्जेक्शन सर, एक एक करके एक एक लड़की जा रही है कमरे से। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हमने इनके मेडिकल बिल सबमिट किए हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, काउंसलर काउंसलर पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्लीज कीप द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। मेरी फ्रेंड्स भी हेल्प करती हैं मुझे। फ्रेंड्स हेल्प करती हैं?
जी फ्रेंड्स हेल्प करती है घर चलाने में, एक आध फ्रेंड से भी मिलवा दीजिए, हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमारा घर चलाने में तो कोई मदद नहीं करता। Your Honor, I object. Sir, please accept कि आपकी आय का जरिया यही है, ऐसे ही पैसे कमाती हैं आप, वरना नहीं जाती आप उसके साथ में। नहीं जाना चाहिए था मुझे। नहीं जाना चाहिए था मुझे। उस रात से लेकर अब तक यही बात रिग्रेट कर रही हूं मैं कि नहीं जाना चाहिए था मुझे। शायद अगर मैं नहीं जाती तो वो सब नहीं होता, और अगर होता तो हम दोनों के साथ होता। आप वजह बतलाइए मैडम, गलती मैं जानता हूँ। आपने पैसे करना चाहते हैं ना जो मीनल के साथ कर रहे थे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने पैसे लिए मांगे या रिमीटेड ह्यूमिलिएशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप प्रूफ करना चाहते हैं कि हमने पैसे लिए हैं? पैसे लिए हैं, हरगिज पैसे लिए हैं। अगर नहीं लिए होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आप जाते अपने घर पे, वो जाते अपने घर पे, आपने शरीफ और इनसेंट लड़कों को बदनाम करने की कोशिश। आपको मालूम है उनका चलना उठना बैठना बड़ा हो गया। लिए हमने पैसे। Your Honor, I wish to talk to my client, please. No, sir, please. I want to say this and I have to say this. Yes, we took the money, sir. हमने पैसे मांगे भी और लिए भी, फिर भी मीनल के साथ। Look, why are you doing this? We did not take any money. Why are you branding us like this? And yes, madam, please keep quiet. Sir, हमने पैसे लिए। We are agreeing to innocence. So please sit down. So let me speak. हमने पैसे लिए, लेकिन फिर भी पैसे लेने के बाद मीनल का मन बदल गया सर। She withdrew her consent, sir. उसने उसे ना बोला, लगातार ना बोला। उसके बावजूद इस आदमी ने राजवीर उसे छूता रहा सर वो। Now you tell me sir, by law sir, वो सही था या ये? फलक अली, please step down. This session of the court is adjourned. Sir,
Sara Kariti, it was brave. Brave of you. Bol rahi thi. Ladkiyon ne paise nahi liye, phir bhi maan liya. Argument hi khatam kar diya. वैसे बचा है क्या था? चुभने लगा था कान में. पैसे लिए, पैसे लिए, पैसे नहीं लिए हैं, ये तो कोई मान ही नहीं रहा है. सब तो मान ही रहे, मेरा मानना कौन सी बड़ी बात है. बस खत्म हो जाए. आलिया को मैं सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता. अगर वो फोन करे तो प्लीज उसका फोन मत उठाना. जावेद, शी रियली लव्ड यू. You know what? You are a coward. Rajveer Singh, आपके हिसाब से जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ हंस-हंस के बात करती है, उसे टच करके बात करती है, तो वो उसे इनवाइट कर रही है कि आइए मेरे साथ सो जाइए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा. आपका बयान है यार ये. मैंने इस केस में कहा था, बाकी डिपेंड करता है. बाकी डिपेंड करता है किस पे? यही कि कहां और कैसे मिले. कहां और कैसे, यानी रॉक शो में हो तो हिंट है, लाइब्रेरी या मंदिर में हो तो हिंट नहीं. वेन्यू डिसाइड करता है कैरेक्टर आपके लिए. अब आप बेकार की बातें कर रहे हैं. नहीं, मैं बेकार की बातें कहां कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपका ये जो बयान है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं. एनीवे, प्रशांत जी ने बताया कि मीनल ने पी रखी थी. आपने भी पी रखी थी? जी, पी रहा था. सो लेट अस अज्यूम कि आप नशे में थे, उसने आपको रोका या रोकना चाहा, आपने जबरदस्ती की, उसने आपको मारा, ये भी तो हो सकता था. बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ. उस दिन ऐसा नहीं हुआ. ओह सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया. बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी शादी फिक्स हो गई है. एमएलए जान की रानी की बेटी से आपकी शादी हो रही है. इन सब पर्सनल बातों का इस केस से क्या लेना देना है? नहीं, लेना देना तो मेरी क्लाइंट के केस के साथ भी नहीं था. तो इन लोगों की तरह मेरा भी कोई कैरेक्टर नहीं है, यही प्रूफ करना चाहते हैं ना आप? नहीं, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. पर आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपकी शादी की बात कर रहा था, आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं. मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं. इन सब पर्सनल बातों का क्या मतलब है? राजवीर, आपको अक्सर ये गुस्सा आता है जब आप किसी की ऐसी वैसी बात सुनते हैं जिसे आप सुनना नहीं चाहते. बार बार वही बात क्यों रिपीट कर रहे हो तुम? तुम? मैं तो आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूं, आप करके आपको बुला रहा हूं, और आप हैं कि तुमसे यही उम्मीद थी. राजू जी, आप रेगुलरली सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं? जी नहीं. तो वो आपका पहला टाइम था, अगर ये मान लिया जाए कि हमारी इस सिचुएशन में मेरा पहला टाइम था. यस. ओके. आप रैंडमली किसी लड़की को देखते ही उसे आप डिनर पे बुला लेते हैं. डिनर पे क्यों बुलाया? उन्होंने कहा था कि हमें भूख लगी है. दे सेड दे वर हंग्री, सो वी कॉल्ड देम. इंसानियत दिखाई, शायद वही गलती की. हमें क्या पता था कि ये लड़कियां कैसी. शराब के लिए भी आपने इंसानियत का ऑफर दिया उन्हें? उसने खुद ड्रिंक बनाई. फोटो देखी ना आपने? एंड्रिया की फोटो तो नहीं थी. वी ऑल वर ड्रिंकिंग. पर उसे आपने क्यों ड्रिंक बनाया? वी ऑल वर ड्रिंकिंग, सो आई ऑफर्ड आउट ऑफ कर्टेसी. राजवीर, आप इस
बात को एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? Why aren't you admitting it? आप एक रेप्यूटेबल फैमिली के साथ जुड़ने वाले हैं विवाह में, क्या इस डर से कि वो शादी टूट जाएगी आप एडमिट नहीं करना चाह रहे हैं? आप रैंडमली खूबसूरत लड़कियों को देखकर उन्हें इंसानियत देने के लिए ड्रिंक्स और डिनर पे ले जाते हैं, जस्ट एडमिट इट. Why aren't you admitting it? Should I tell the court why? Because sexual assault के लिए आप बहुत लंबा अंदर जाते हैं. ये सारी कहानी आपने गढ़ी हुई है ताकि मेरा जो क्लाइंट है. ऑब्जेक्शन या ऑनर, ऑब्जेक्शन क्या है प्रशांत जी? इनकी क्लाइंट्स ने एडमिट किया है कि बैठिए कैरी ऑन दीप जी. ओके, लेट मी पुट यू अनदर क्वेश्चन. अगर आपने देखा कि मीनल जो है वो एक पैक बना रही है और शराब पी रही है, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये तो खराब लड़की है, आप उठ के चले क्यों नहीं गए? हमें ऐसा नहीं लगा. आपके घर में लड़कियां शराब पीती हैं? Only the men drink. आपकी माँ, आपकी बहन ड्रिंक नहीं करती? अच्छे घर की औरतें शराब नहीं पीती हैं. पार्टीज में जाती? फैमिली गैदरिंग्स में जाती हैं. ओके. पार्टीज में नहीं. इसलिए जो लड़कियां पार्टीज में जाती हैं और खासतौर से वो जो ड्रिंक करती हैं, वो आपके लिए पुश्तैनी हक बन जाता है आपका. और यही तय किया आपने हमारी क्लाइंट मीनल अरोरा के बारे में. आपके घर की अच्छी लड़कियां नहीं पीती हैं तो वो अच्छी हैं, ये पीती हैं इसलिए ये बुरी हैं, खराब हैं, और इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है. इसलिए मैं राजवीर आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा. ये आपकी बहन की तस्वीर है एक पार्टी में शराब पीते हुए. से बात कर तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा, समझा? क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है यहाँ? क्यों नेसेसरली मेरे क्लाइंट को प्रोवोक किया जा रहा है? ये गलत है. मेरी बहन ऐसा नहीं करती है. बैठकर पीना, किसी के साथ भी चले जाना, ये ऐसी लड़कियां करती हैं, अच्छे घराने की लड़कियां नहीं. ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता. प्लीज क्वाइट, प्लीज क्वाइट राजवीर, प्लीज. ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लड़के इसे अपना हक समझ करके करते हैं. किसी लड़की के ड्रेस या क्योंकि वो शराब पीती है, आप समझते हैं कि ये आपका अधिकार है? एक सेकंड, लेट मी टॉक. आपका अधिकार है, आराम से साथ चल दे और बैठ के पिए. कोई भी लड़का समझेगा ना कि ये लड़कियां तैयार हैं, वरना क्यों आएंगी, क्यों पिएंगी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर. ये भी तो हो सकता है कि अगर वो समझे कि आप उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले हैं तो. सर वन सेकंड, बलात्कार राजवीर स्टॉप. भी नहीं, क्या मतलब है इस बलात्कार का? यहाँ पर किसी से भी पूछ लो, ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है. ऐसी लड़कियों का नाम पता है क्या बुलाया जाता है इनको? राजवीर. प्रशांत जी, अपने क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए प्लीज. थैंक यू, थैंक यू राजवीर. That is exactly what happened, Your Honor. That is exactly what happened. आजकल की लड़कियां हैं तो लड़कियां ही. जब वो किसी लड़के के साथ डिनर ड्रिंक्स पे जाती हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस होती है. अवेलेबल होने का साइनबोर्ड बनकर नहीं जाती है वो. लेकिन इस तरह के वेल ड्रेस्ड, वेल एडुकेटेड लड़के जो अभी भी एक फ्यूडल मेंटालिटी के शिकार बने हुए हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी लड़की अच्छी है और किस लड़की के साथ ये लिबर्टी ले सकते हैं. अरेस्ट माय केस योर ऑनर. काउंसिल,
Closing arguments, please. Prashant ji. मैंने कोर्ट के सामने प्रूव किया ना कि ये तीनों लड़कियां वहां पैसा एक्सट्रॉट करने की नियत से गईं और उसके बाद वहां से गायब हो गई। उसके बाद बहुत दिनों तक छुपी रही। अगर इनकी गलती नहीं होती सर तो ये इंसिडेंट के इतने दिनों बाद तक चुप नहीं रहती बल्कि खुद चल के पुलिस के पास जाती जो कि मेरे क्लाइंट ने किया। आफ्टरऑल राजवीर सिंह एक रेपुटेबल फैमिली से है, यंग है, उसके सामने उसका अच्छा खासा फ्यूचर है। इसके अलावा मैंने एसएचओ, डॉक्टर, वेटर और मैनेजर के बयान और एविडेंसेस दिए जो कि सारे के सारे लड़के के खिलाफ। कंसेंट का कोई इशू ही नहीं है सर इस केस में। यह सिर्फ डिफेंस का आजमाया हुआ एक हथकंडा है क्योंकि आजकल कंसेंट डिबेट की बहुत हवा है आवार, इसलिए उसको वैसे के वैसा प्रेजेंट कर दिया गया। मैं इसमें फंसाए हुए सारे इनोसेंट लड़कों को बाइज्जत बरी करने का अनुरोध करता हूं और उसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मिस मीनल अरोड़ा के लिए कम से कम 10 साल की सजा आपसे चाहता हूं। और इन दो लड़कियों के लिए भी खाली इन्हें सबक सिखाने के लिए फाइन करके ना छोड़ा जाए बल्कि इनको भी कम से कम 6 महीने की सजा दी जाए ताकि ये आगे से ऐसी हरकत करने से बाज आए। थैंक यू सर, आई रेस्ट माय केस। दीपक जी क्लोजिंग। मिस्टर साइकल No. No, Your Honor. ना सिर्फ एक शब्द नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है Your Honor. इसे किसी तर्क स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। माय क्लाइंट सेड नो योर ऑनर एंड दिस बॉयज मस्ट रियलाइज नो का मतलब नो होता है। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, यह आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो। एंड व्हेन समवन सेज़ सो यू स्टॉप। We'll take a short break. उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। The court believes that a beginning has been made in this case. Although मीनल अरोरा के खिलाफ 307 attempt to murder के केस में गवाह भी थे, evidence भी, the court finds that there was grave provocation. और उनके खिलाफ 307 के अंडर जो चार्ज था उसको डिसमिस करती है। सेक्शन 320-324 के अंदर मीनल अरोरा, फलक अली और एंड्रिया तारियांग के खिलाफ जो भी चार्जेस हैं वो नेचर में मोटिवेटेड और इसमें उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस है नहीं। द कोर्ट finds Rajveer Singh guilty under section 354 of outraging a woman's modesty, Ankit Malhotra and Ronak Anand under 340 and the IT Act. The court has decided to let Vishwajyoti Ghosh off with a warning. The court will set a further date for sentencing and announce the quantum of the sentence. Court is dismissed. Please, up to you.
तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय।